इस वीडियो को देखने से पहले बाबा जी एंड फ्री तो लगाओ ही लगाओ, लेकिन साथ ही ये सब्सक्राइब वाले बटन पर अपनी उंगली भी लगा दो यार। अभी तक तुमने मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए यार, मेरा शराब लगेगा तुम सबको। हेलो सिस्टर ब्लेजरो, क्या हाल चाल है? मैं हूँ आपका होस्ट टकी का दोस्त। तो कैसे हो सब लोग? सॉरी यार, वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले ने हमें काफी डंडे दे के रखे थे। यूनिवर्सिटी जाए तो लेक्चर का डंडा, वापस आए तो क्विज का डंडा, रात को घर बैठे हो तो भाई साहब असाइनमेंट के डंडे डंडे डंडे। टेंशन नहीं लेनी सर, इसके बाद टपा टप वीडियो जाएंगी, बेफिक्र हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की तस्वीरें दिखाऊंगा कि काश अगर वो लड़कियां होती तो कैसी होती। हाय हाय, आपको क्या मालूम। सबसे पहले हम आपको कैरी बाई की तस्वीर दिखाएंगे। कैरी भाई, आई मीन कैरी बहन को देख के मेरा दिल करता है कि काश आप। अच्छा, मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। अब एक और तस्वीर भी देख ही लो कैरी भाई की। अबे एक मिनट, की शक्लें भी मिलती हैं और काम भी मिलते हैं। कैरी भाई सबकी मुंह से लेते हैं और जॉनी भाई सबकी। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें यार, डर से ज्यादा प्यार अपने कैरी मिनाटी भाई से। बस हवा निकल गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जहाँ पर इंडिया के कैरी भाई की बात हो सकती है, वहाँ पर पाकिस्तानी डकी भाई की बात न हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन डकी भाई तो अपने उस्ताद हैं यार, उनके बारे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। उन्होंने तो मुझे खड़ा करना सिखाया था। ओए लातों पे खड़ो ना, वो कहाँ कहाँ चले जाते हो यार तुम भी। कुछ भी। चलो तो फिर आओ, डकी भाई को भी देख लो। ये हमारे डकी भाई हैं, इसके बाद हम आपको डकी बहन दिखाते हैं। अगर हमका मालूम होता कि हमारा उस्ताद इतना खूबसूरत है तो हम उसका शागिर्दी कभी छोड़ता ही ना यार। लेकिन ये हमारा उस्ताद है, इसके बारे में अब हम और कोई बात नहीं करेगा। इनकी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। बस मैं आपको अब इनकी सारी तस्वीरें एक एक करके दिखाता जाऊंगा। अगर तो ये वीडियो गलती से डकी भाई तक पहुँच भी गई ना, तो डकी भाई आई लव यू यार, मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता यार। अगर ये वीडियो डकी भाई तक नहीं पहुँची तो तुम सब उनको मेंशन तो करो नीचे कमेंट में, ताकि उन्हें पता लगे कि मैं उनका कितना बड़ा पंखा हूँ यार। बाय द वे, हमारी डकी भाई इंशाल्लाह 10 साल बाद ऐसे नजर आएंगे। अब बारी आती है अनोनिमस भाई की। अनोनिमस भाई के बारे में तो भाई सब कुछ बोलना ही नहीं, फुल लव वाला सीन है अनोनिमस भाई, टेंशन नहीं लेनी ठीक है। ये हमारे अनोनिमस भाई, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन सब में से किसकी और कौन सी तस्वीर पसंद आई है। अनोनिमस भाई वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अनोनिमस भाई की तस्वीरों पे अपन चुपी रहेगा ठीक है। वीडियो देखो, पसंद करो, लाइक लाजमी करके जाना भाई साहब। आज की वीडियो पे जिस बंदे ने लाइक ना किया ना पुतौर, अगली दफ़ा फिर इस तरह की तस्वीरें उसी की जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। वाह भाई वाह, इन लफ्जों को तो संगीत में परोना चाहिए। अपना ख्याल रखना, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। अल्लाह हाफिज़।